ट्रक गया हो सही होने वास्ते क्योंकि मैंने कोई गियर वेयर का काम आ गया टूट गया है। देखो खुली हुई गड्डी आ देखो गियर इधर ने ट्रक वगैरह की कटिंग वगैरह होती है ना आ देखो पुराने ट्रक देखदे तो बोलदे कि कबाड़खाना नहीं करोड़ा दा माल पिया है विच तुसी सीट बेल्ट भूले नहीं चलान होया नहीं उठो ला उठो ठीक है सरदार जी ओके लगभग गाइस आपा अद्धा पार कर लिया तो एवरी कार डाइज बाय ड्राइविंग 1 लाख किलोमीटर बट महिंद्रा गाइस हियर गुरु क्रेसिंग लाइक दिखा सब एक ऊपर दे टाइम हो चुके है 11:30 आ चुके आते सिमरनजीत भी आ चुके है क्यों आ चुके हैं तुम दसदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੇਅਰ ਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਹ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਕੈਨਿਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਲੈਣੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੋਧਪੁਰ ਲੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਵਾਣੀ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫੋਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ 20% ਦਾ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਚਾਰਜ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ 20% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ A few moments later ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਕੁਝ सामने पई ताडे स्टीयरिंग दी है गियर दी है ते का है पता नहीं की जाके पता लग जाएगा अपन गो आ इंजन वाली रोड होंगी जेडी की रोटेट करती टायरां नूं गियर दे हिसाब नाल और पता नहीं की पै स्टीयरिंग पैया बहुत समान पै पंखे पे आ इंजन वाला इंजन इन्ना वड्डा होंदा वेख लो इंजन किन्ना वड्डा होंदा आ वेखो गियर खतरनाक खतरनाक चीजा ने इत्थे दा पूरा इंजन समेत पईयां जिहड़ियां गियर दे आ आ जो छोटे ट्रक दा ए 1 2 3 आ टुटा आया वे इन्हें तो है ही नहीं बाकी ये कार या मेरे सब तो वड्डा गोदाम आ ही लगता है जे इतों पता नहीं मिलगी तो लेनी है या फिर इतों ही कोई चीज़ रिप्लेस पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही अपन तो नाल आखन रखे से आप आ गए नाल बाकी सिस्टम देख रहे हैं कि आ टायर रिम पे ने ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਚੇਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਪ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪਲੇਸ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ
ट्रक की क्लच प्लेट सही हो रही है तो हम आए दूजे पास कुछ वेखन आ भी एक पूरा मार्केट ही है एवं पाया माल करोड़ा का माल पे एवं लेना देना गोदाम कि वड्डा है इन्हों का समान का इतने भी वही पखे पुखे वही जुगाड़ सारे जेडे उधर से इधर ने बाकी इधर की व्यवस्था मिल जाए इधर जानकारी वाले तो ट्रक के जो टायर सारे लगते हैं पारियां तो आंदा है पूरा जरा भी आप गड्डी ओवरलोड करते हैं या जो भी आप लोड करते हैं समान वगैरह और एक एक ग्रुप रखे हुआ सारा कुछ पखे पुखे सारे इधर आ वाली चीज़ इधर पत्ते इधर वो गियर चेक कर रहे हो देखो वधिया मिल जाए ना गियर गल बन जानी पूरी क्योंकि उत्थे सिटी से महंगा ला रहे सिटी से समान महंगा ही आता है जब भी है सिटी तो बाहर आ गए मतलब दूजे पास उस बाईपास तो आए थे इस बाईपास आ गए सिटी तो घूम पिछों की तो व्हील कैप भी वेख दें लेने मिलती कितों से चेक करते हैं कितने मिल जाए तो ले लेंगे इधर जो ट्रक वगैरह की कटिंग वगैरह होंगी ना आखो पुराने ट्रक ता करके ना समान मिल जाता है अज भी हम बॉडी पई ट्रक की जेडी पिछे लोड करते हैं ना वो वाली उन्हें से ट्रक पे ने वो वेखो आ पंप है जी बॉडी चींदी है तो इन्हें की है समान मिल जाता होर कोई चक्कर नहीं बाकी तो नवा लैन का कोई फायदा नहीं पुराना भी वधिया मिल जाता कभी कदार सैकेंड हैंड चीज़ भी फर्स्ट हैंड तो वधिया मिल जाती है देखते हैं मिलता है पहाड़ देख दो वेखन कबाड़ है कबाड़ नहीं करोड़ा का माल है वेखद तो बोलता है कि कबाड़ खाना नहीं करोड़ा का माल पे बेच पुराना ट्रक खाना आ वेखो पुराना ट्रक हूँ मीटर ले जाएगा कोई मीटर ले जाएगा खोल के इनका कितने काम आएगा कोई काम नहीं आएगा मीटर ले जाएगा कोई सीट ले जाएगा कोई इंजन ले जाएगा इंजन वगैरह खोल के वगैरह अंदर रखे हुए ने बाकी इतने वेख लो पर्दा वेखो कि वधिया आलीशान स्टीयरिंग ले जाएगा कोई तरह तरह का समान है कोई भी कुछ भी ले सकता है बस पैसे दो तो समान ले जाओ हम इनका कोई मीटर ले अपने वाले मीटर जो आपने मीटर चाहिए होंगे तो आप इनका मीटर ले सकते थे पूरी मार्केट इतने आप पता नहीं किस चीज़ की बाकी पीछे पूरी गलियां चो ही नहीं सिस्टम आ कच लगा साइड कच किसी ने लेना हो समान है भाई गजब चीज़ा ने बाहर निकलते हैं कुछ ना कुछ नवी चीज़ें देखदिया ने तो मैं सोची आज व्लॉग बनाया कोई नवी चीज़ जरूर दिखेगी तां करके आप व्लॉग बनाया बाकी अपने एग्जाम चल रहे कल अपना फिजिकल का एग्जाम आ छोटे ट्रक का बड़े ट्रक का नहीं छोटे ट्रक का मूँह देखते पे आ इन्ने सारे पे गेयर वाले देखो इन्हें जो एक देखते अभी वधिया होया तो ले लाँगे जेड़ा मैं तुम उधर खाया से वह तो आप पसंद किया है तो एक जगह होर वेख रहे हैं वधिया मिल जाए क्वालिटी क्योंकि 2010 मॉडल मतलब 15 साल गड्डी पुरानी है ना ट्रक ता करके समान बंद हो गया मिलता नहीं तो घूमना पैंता इन्हें कबाड़िया को मिल जाए कोई वधिया मिल जाए ता करके हम एक मैकेनिक साहब तो ड्राइवर साहब गए वेखन क्योंकि उन्होंने चलानी उन्होंने हिसाब ना ही वेखे बाकी आप बैठे हैं जो अपनी लौड़ होगी तो आप चले जावे बाकी आप इधर छां तो बह गए आई हुए कोल गर्मी बहुत है बुरा हाल है रोटी भी नहीं खा के आए भूख भी लग गई हम वेखते हैं कि रोटी भी खानी पैनी है ढिड तो भरना ही पैना काम तो आते रहेंगे इतने महिंद्रा का शोरूम दिखा मैंने वो चेक करो गाइस महिंद्रा के ट्रकों का ट्रक टो करके जाते रोटी वगैरह खाधी चौधरी होटल भोजनाल हम फटाफट चल रहे काम से हाईवे तो लग गई सी खान आ गया रोटी खा ली हम चलते हैं समान समून वेख लिया हम बस चुक चुक के जमाना रहना रोटी खा के आ चुके हैं गाइस एक कोई दुकान है इत्थे वो कोई ट्रक की हेडलाइट होंगी ना उनके बाहर जी बाउंड्री लगती जिम्मे अपनी गड्डिया से क्रोम बाउंड्री आती है एसेसरी आती है बस वो नहीं प्लास्टिक रुटा होया तो वो ट्रक का लैना इतों वो लैके फटाफट चलते हैं फटाफट समान चुकना हूं तक कुछ नहीं टाइम हो चुका है 4:15 साढ़े 4 हो चुके आई थिंक फटाफट निकलते हैं हम सीधा घर पहुँच जाएंगे आप 6 बजे तक ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਓ ਹੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦਿਲਾ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦਿਲਾ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਾਓ ਹੀ ਨਾ ਟਿਪਸ ਹੈਡਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੈ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ
नवे स्पेयर पार्ट्स लेने से नवे स्पेयर पार्ट्स आप ले लिया दुकान तो बेल वगैरह बन गया पेमेंट वगैरह होगी आने पास ये कितने कोई चीज लेने गए वो लेके आते हैं फिर आप चलते हैं बाकी टाइम दुकान दुखा दें अंदर जी समान वगैरह ले लिया फोन फटाफट चलते हैं जरा एक डिस्पोजल जरा माल पे वो चुक के फटाफट निकलते हैं समान की है मीटर है आए 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 समझ कुछ नहीं आना लेकिन समान है ट्रक का उस तक उठावे डिटेल ना और बस एक गियर बॉक्स रह गया और रख दे फिर चलते हैं फटाफट आ बड़ा लेना वो आज गया समान लेने छे होने बस लास्ट एक गियर बॉक्स रह गया वो लेने फिर गड्डी अंदर आप बैक करती क्योंकि चुक भारी है ना चुक के तब रखना ही होगा फिर तो शू शू सीधा ही वे तो ही सीधा बाहर ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਓਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਫਿਰ ਘਰ ਲਗਭਗ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ इधर बाहर ही है लग गई तो मैं साइड तक खलोता हूँ कुछ लैन गया लेके आते हैं तो आप जरा अंदर रह गया और कॉल करते हैं फटाफट लैट्स वो वर्कशॉप जाना वर्कशॉप समान सारा उतार के फिर आप घर जावे मतलब अजे लग जाना अपन एक घंटा 40-45 मिनट तो जांच लग जाना है तो उत्थे अद्धा घंटा अपन उत्थे लगेगा बस इन्ना ही टाइम लगना है फिर आप सीधा घर थोड़ी बहुत पढ़ाई करके सो जाएंगे फिर पेपर दे के फ्री फिर छुट्टियाँ 7 तक फिर एक पेपर Every car dies by driving 1 lakh kilometer, but Mahindra going to cross 1,34,000 kilometer. Just 8 kilometer left, guys. सामान वगैरह सब रखता हूँ चलते हैं पहुँच चुके हैं गाइस पाली महावीर सर्कल हुण बस इतों घर रह गया अपना 5 किलोमीटर घर जाके आप बस हुण पढ़ाई करांगे पहले खाना वगैरह खावांगे फिर पढ़ाई वगैरह करांगे फिर सवेरे मिलते हैं इस लोग में इतनी एंड करते कि लगी नहीं उसे गोदाम से मैं शूट करता वैसे समान रखने लेकिन वो नेरा जहा हो गया लाइट वगैरह नहीं लगी हुई ना करके वो सैट हो जाए नहीं तो सवेर जो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा समान वगैरह तो उदो एक मैं ब्लॉग बना दाँगा या फिर कल परसों जो रेडी होकर आ जाएगी उदो आप एक ब्लॉग बना देंगे बस इस ब्लॉग में आप इतनी एंड करते हैं कि मुझे लगे नहीं जरूर दस्या जे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय